This is your chemistry class and we are studying the chapter number 4 structure of molecules. Today's topic is hydrogen bonding. Previous lecture में हमने dipole-dipole interaction किया था जो कि electrostatic forces की type थी. आज हमने इसकी second type करनी है hydrogen bonding. तो actually में ये जो hydrogen bonding है ये intermolecular forces की special type है और ये present होती है permanently polar molecules के अंदर. ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म पोल्स. ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव. वो मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स बन जाएं, जिनके बॉन्ड में पोल्स बन जाएं, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, उसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. तो उन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की एक यूनिक टाइप है. एक्चुअली में ये बिल्कुल उसी तरह है लेकिन ये उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है. ठीक है, यूनिक है इसकी ये टाइप. अब अगर हम एक्सप्लेन करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कौन से एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव ए हाइड्रोजन एटम बॉन्डिंग टू ए स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान पाई जाएगी जिसमें एक एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरा एटम जो है वो स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उसके ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन एटम मौजूद है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है. ठीक है, लोन पेयर जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर मौजूद होता है, इस तरह से अगर हम सिंबल लिखें तो इस तरह लिखते हैं. नाइट्रोजन के ऊपर भी होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर मौजूद होते हैं दो, और फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर मौजूद है. ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है. अगर हाइड्रोजन है इन तीनों में से किसी के साथ बॉन्डेड है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो क्या होगा, उस वो बॉन्ड जो है वो इतना पोलर हो जाएगा कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इन तीनों में से अगर कोई भी इसके साथ बॉन्डेड है तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ नाइट्रोजन की, इस तरह से अगर बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड जो है वो इतना इसमें पोलर हो जाएगा, पोलर इनफ हो जाएगा कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अब इन चार्जेस की वजह से ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं, एक साइड जो है वो पार्शियल पॉजिटिव की हो जाएगी और एक साइड जो है वो पार्शियल नेगेटिव की हो जाएगी. फिर जो है वो पोलैरिटी की वजह से अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिकम्स पोलर, वो पोलर हो जाता है. दिस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड अनेबल्स द हाइड्रोजन टू अट्रैक्ट द एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो ये जो पोलैरिटी है इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस हाइड्रोजन को इस काबिल करेगा कि वो अपने उसी मॉलिक्यूल में दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. जैसे हम ये वाटर की एग्जांपल लें, अब देखिए एक सिस्टम, एक कंटेनर, इसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, सही है. अब ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है, अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास लोन पेयर भी मौजूद है. हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान पोलर जो है बॉन्ड, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये पोलर हो जाएगा और पोलर होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह इस एटम, इस मॉलिक्यूल में भी वाटर मॉलिक्यूल में इसी तरह से होगा. अब ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके आपस में अभी फोर्सेस पाई जाती है, जो डॉटेड लाइन से शो हो रही है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ठीक है, ये हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो है ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि इट अफेक्ट्स द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये उस पर अफेक्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे बॉइलिंग पॉइंट. अब वो वाले सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. ज़्यादा क्यों होंगे,
क्योंकि ये आप देखिए ये इंट्रेक्शंस हैं, इंट्रेक्शंस की वजह से सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पे इकट्ठे हैं, हेल्ड किया हुआ है इन इंट्रेक्शंस ने, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे। अब इन इंट्रेक्शंस को तोड़ने के लिए हमें इन्हें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, जैसे हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा एनर्जी मिलेंगी, तब ये इंट्रेक्शन जो है यहाँ से ब्रेकआउट होगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ हायर देन अल्कोहल विच हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है और अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है। वो क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है अल्कोहल की निस्बत, तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ है, तो उस पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई आइस इज़ फ्लोटिंग ओवर वाटर। आपने देखा होगा कि आइस हमेशा जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है, तैरती है, तो इसकी क्या वजह है? उस वो सारा पैराग्राफ उसके आंसर में आता है। मैं आपको ये शॉर्ट पॉइंट्स में समझाती हूँ कि डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.917 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आइस की डेंसिटी डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है, जबकि वाटर की डेंसिटी हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो अब डेंसिटी किसकी ज़्यादा? वाटर की ज़्यादा है ना। लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है हमें पता है वो रेंडमली मूव करते हैं, जहाँ चाहे वो मूव कर सकते हैं, लेकिन उसी वाटर को जब हम फ्रीज़ कर देते हैं तो फ्रीज़ करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जहाँ जहाँ होते हैं वो अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं एक ऑर्डर फॉर्म के अंदर। जब वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। सही है, डेंसिटी उनकी वाटर से फिर कम होगी क्योंकि अब वो मूव नहीं कर सकते। सही है, तो इस वजह से वो डेंसिटी कम होने की वजह से जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी।